फ्रेंड्स वेलकम, हम चेक कर रहे हैं ईश्वर के अर्जेंट दिव्य संदेश आपके लिए। रीडिंग टाइम जैसे फ्रेंड्स जब भी देखेंगे ना तभी रेजोनेट करेगी, साथ ही में जनरल और कलेक्टिव भी है, तो जो आपसे रेजोनेट करे, जो मैसेज, जो संदेश लगे आपको कि आपके लिए है, उसको आप रिसीव करो और बचे हुए को जाने दो। तो पहला संदेश आपके लिए है साइलेंस। ईश्वर कह रहे हैं कुछ चीज़ों में अभी ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, शांत रहो और देखो कि जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, दिन रात आपने अपना चैन गवा दिया है, क्या वो चीज़ें आपके लायक भी हैं। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी है, सामने वाले को परखने की एनर्जी है, शांत रहकर देखने की एनर्जी है कि आप जिन चीज़ों के लिए, जिन रिलेशनशिप्स के लिए, जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो वो आपके लिए सही भी है या नहीं, राइट। एंड नेक्स्ट मैसेज है आपका, और ईश्वर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कुछ आपके काम नहीं बन पा रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट करो, प्रेयर्स करो एंड पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करो। अगर नेगेटिव रहकर या कन्फ्यूज़न में रहकर मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी नहीं होती, तो पॉजिटिव रह के मैनिफेस्टेशन करो, डेफिनेटली पूरी होगी। जेमिनी लिब्रा अक्वेरियस 1, 19, 28, 10, 6, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एंड ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये सोचते हो कि पास्ट में आपकी कौन सी गलतियां हो गई जिनका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ रहा है, क्यों आपके लिए मतलब अच्छा नहीं हो पा रहा आपकी लाइफ में कुछ भी, या क्या मिस्टेक आपसे हुई हैं, या पास्ट में लोगों ने आपको बहुत चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, आप चाहकर भी उन बातों को दिल से नहीं निकाल पा रहे हो, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करो एंड यहाँ पे स्टार्स देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नई लाइफ में आपकी आ रही हैं। सो पॉजिटिव रह के मैनिफेस्ट करो, अभी कुछ चीज़ों के लिए राइट टाइम नहीं है, तो वेट एंड वॉच की एनर्जी आ रही है, शांत रहकर वेट एंड वॉच करो एंड राइट टाइम आने पे उन थिंग्स को आने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फाइनली वो चीज़ें होंगी ही, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। 15, 16, 17 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं अभी शांत रहो, मन को शांत रखो, ब्रेन को शांत रखो, मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, मैनिफेस्टेशन करो, पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, फ्यूचर की तरफ देखो और डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, उनको ग्रैब करो और लाइफ में आगे बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप।